गुड मॉर्निंग, आप सभी का नए ब्लॉग में स्वागत है। अभी मैं हूँ बद्रीनाथ में और ये मेरे पीछे बद्रीनाथ का मेन बस स्टैंड है। इसके पास में ये पेट्रोल पंप भी है और ये यहाँ का सराउंड व्यू आपको मैं दिखा रहा हूँ। चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं और ये पूरा यहाँ का सीन है। तो आज हम इस ब्लॉग में देखने वाले हैं बद्रीनाथ धाम तक, बस स्टैंड से बद्रीनाथ धाम तक पूरा एक ब्लॉग, जिससे आपको एक आइडिया मिले कि हम वहाँ तक कैसे पहुँचते हैं, क्या क्या वहाँ पर है। तो आइए शुरू करते हैं। क्या बन रहा अंकल? इस रोड से हम बद्रीनाथ धाम तक जाएंगे। आप वीडियो में बने रहें, बहुत ही मजा आने वाला है। लाइव आपको देखने को मिल रहा है। नगर पंचायत बद्रीनाथ की गाड़ी आपके द्वार पर खड़ी है, कृपया अपने घर का कूड़ा गाड़ी में ही डालें। हैं लेकिन वो नज़दीक है यहाँ बद्रीनाथ के, उसके आगे फिर चाइना आ जाता है। तो अभी तक हमें बद्रीनाथ धाम देखना है। ये सीधा माना विलेज को जा रहा है और यहाँ से ये बद्री धाम को और ये सब चलते हैं बद्रीनाथ धाम की तरफ। आपका इंतजार विजय गुप्ता खोया पाया केंद्र पर कर रहे हैं। कृपया ध्यान दें, ये दूसरा रास्ता जो सुदामा गुप्ता जिससे हम नहीं आए थे, सुदामा गुप्ता मिल जाता है। आइए चलते हैं। हनुमान मंदिर देवरिया से आए हैं, आपका इंतजार। हो गया
दर्शन करना हो तो ये आप देखें लंबी लाइन, वहाँ से देखो पीछे से आ रही है, बहुत लंबी लाइन है तो काफ़ी टाइम लगता है दर्शन करने के लिए क्योंकि बहुत लंबी लाइन है और ये हमेशा होती है। ये पूरा जो आपको दिख रहा है अभी ये मास्टर प्लान जो है उसका इमेज आपको दिख रहा है, जब ये रेडी हो जाएगा तो ऐसा दिखेगा। आइए तप्त कुंड की तरफ चलते हैं। हैवी चीज़ों को मत खाओ, आपके लिए अलग से सबसे बोलने की व्यवस्था है, आप महिला सबसे बोलने का ही स्नान करें, महिला से प्लान हुई कृपया महिला सबसे बोलने का ही स्नान करें। ये कुंड है जहाँ पर स्नान किया।
जा रहा है, कप कूल है, एकदम गर्म पानी है इसके अंदर, ये देखिए आप। इस कूल में आपको नहाकर आगे पूजा पाठ के लिए आगे बढ़ना होता है। आइए आगे चलते हैं। ये एक और कूल है यहाँ पर, ये एक और कूल है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ से ये गर्म पानी आता है, सातों दिन 12 महीने ये गर्म पानी चलता रहता है, बहुत ही गर्म आता है इसमें पानी। और देखिए इसमें भाप भी निकलती है गर्म पानी में, और ये सब यहाँ पर नहा रहे हैं। क्योंकि भीड़ बहुत होती है, बाहर ही ये सब महिलाएं भी यहाँ पर अपना कपड़े चेंज करते हैं। ये बड़ा शिला जो बताया गया है वो शिला है, एक कुंड उधर है और एक कुंड इसके अंदर है, ऐसे ये 5 कुंड है यहाँ पर टोटल, जिसमें स्नान किया जाता है। ये महिलाओं का कुंड है जो लाल आप ऊपर सेट दिख रहा है, नीचे नाम भी लिखा हुआ है, और ये पुरुष लोगों के लिए, जेंट्स के लिए, इधर भी और इधर भी। यहाँ से मंदिर में एंट्री होती है, लेकिन यहाँ बंद है, आप देखें यहाँ पुलिस खड़ी रहती है, और ये पूरे लाइन से आ रहे हैं, लाइन बहुत लंबी होती है, पीछे से आप देखें, पीछे से लाइन से लोग आ रहे हैं। ये पूरा व्यू, तो आपने ये वीडियो पूरा देखा, कैसा लगा अपना कमेंट जरूर करें। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना कमेंट करके जाएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।